हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका हूँ जिससे आप 1 मंथ में अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल इजी वे में आप अपने चैनल को रन कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। आपकी बहुत व्यूज़ बढ़ने वाली है आपकी वीडियो की, एंड बहुत ज़्यादा रीच बढ़ने वाली है। बस आपको 10 टॉपिक्स बताया जाएगा, इसको आपको नहीं करना है, ये गलतियों को नहीं दोहराना। ये वीडियो सभी YouTube क्रिएटर्स के लिए है जो जैसे आप ये गलती करते हैं वैसे ही कुछ दिनों में आपके चैनल को फ्रीज कर दिया जाता है। एंड गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपकी चैनल कभी फ्रीज नहीं होगी, कभी फ्रीज नहीं होगी, और आपकी व्यूज़ एंड रीच बढ़ते जाएंगे और आपकी चैनल की ग्रोइंग हो जाती है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपकी चैनल को डेथ हो जाता है, आपकी चैनल को डिलीट कर दिया जाता है एंड फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे आपकी रीच एंड व्यूज़ वर्स्ट कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो बस आपको ये 10 गलतियां नहीं करना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो ड्रामा, नो टॉक, नो क्लिक बेट, ओनली टेन गाइज। अब आपको ये 10 गलतियां करने से क्या होता है, आप अगर ये 10 गलतियां करोगे तो आपकी चैनल को फ्रीज कर दिया जाएगा एंड आप लॉन्ग टर्म तक अपने चैनल को नहीं चला सकते। आपने लॉन्ग टर्म तक अपने चैनल को नहीं चला पाओगे और इसका डेथ हो जाएगा, आपकी चैनल ग्लिच हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। तो गाइस, आपकी सबसे पहली एंड सबसे बड़ी गलतियां क्या है, तो वो सबसे बड़ी एंड सबसे पहली गलती है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो एडिट किए हैं जो उसको अपलोड करते हैं एंड पब्लिश कर देते हैं या अनलिस्टेड भी रखते हैं, एंड आप वीडियो में देखते हैं कि कुछ गलतियाँ हो गया है तो उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं अपने चैनल पर से एंड उसको फिर से रीअपलोड कर देते हैं, डिलीट करते हैं, फिर से अपलोड करते हैं, तो वो आपकी वीडियो रैंक नहीं करने वाली, जिससे आपकी चैनल फ्रीज हो जाती है एंड लॉन्ग टर्म तक इस पर निगेटिव इफेक्ट चलते रहता है, जिससे आपकी चैनल को फ्रीज कर दिया जाता है और वीडियो वायरल नहीं हो पाती है, इसका रीच कोई भी नहीं मिलता एंड इम्प्रेशन इज नॉट, कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको ये सबसे बड़ी एंड पहली गलती आपको नहीं करना है, जिससे आपकी चैनल फ्रीज नहीं होगी। एंड गाइज, आपकी दूसरी गलती क्या है, आपकी दूसरी गलती है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए सब फॉर सब करते हैं। आपको सब फॉर सब नहीं करना है, या आप कहीं से भी सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते हैं या किसी के मोबाइल लेके सब्सक्राइब कर लेते हैं अपने चैनल को, तो आपको इससे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सब फॉर सब करते हैं तो वो बंदा जो सब्सक्राइब करता है उसको इंटरेस्ट नहीं होता है इस वीडियो आपके चैनल से और आपकी वीडियो को वॉच नहीं करता है। अगर आप ऐसा सब फॉर सब करते हो या कहीं से भी सब्सक्राइबर गेन करते हो या खरीदते हो या कुछ भी करते हो, तो इससे आपके चैनल पे बहुत ही लॉन्ग टर्म तक निगेटिव इफेक्ट। गाइस, आपको ये दूसरी गलती भी नहीं करना है, आपको सब फॉर सब नहीं करना है, सब्सक्राइबर को नहीं खरीदना है, नहीं परचेस करना है, और सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं करना है, जिससे अगर ये आप यूज़ करते हैं तो इससे आपके चैनल पे लॉन्ग टर्म तक निगेटिव एक्टिविटी रहते हैं, जिससे आपके चैनल ग्रो नहीं हो पाती है। गाइस, तो आपको ये नहीं करना है, और आप ये नहीं करते हो तो आपकी चैनल सेफ रहेगी एंड फ्रीज नहीं होगी, अनफ्रीज रहेगी, ग्रो करेगी, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे और आपकी चैनल कम समय में टर्न ले सकती है। तो बस आपको ये 2 गलतियां नहीं करना है। एंड बढ़ते हैं गाइस तीसरी गलती के तरफ। एंड गाइस, जो तीसरा गलती है वो है एंगेजमेंट एंड रीच को बढ़ाने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप से आपको नहीं करना है, थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करना है अपने एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए एंड अपने चैनल पर रीच लाने के लिए। आपको किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है, यूज़ करना है SEO के लिए यूज़ करना है, टाइटल के लिए यूज़ करना है, थंबनेल के लिए यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करना है, बट इन आपको अपने चैनल पर रीच बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करना है, व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करना है। जैसे कि कोई बहुत सारा एप्लीकेशन मार्केट में चल रहा है और आप उसको यूज़ करते हो एंड उसको यूज़ करके आप अपने व्यूज़ एंड वॉचिंग बढ़ाते हो, ये आपको नहीं करना, इससे आपकी चैनल डेथ हो जाएगी, लॉन्ग टर्म तक निगेटिव इफेक्ट। एंड गाइज, आप तीसरा स्टेप भी समझ गए, आपको कोई भी शॉर्टकट तरीके से आपको रीच एंड आपको रीच को बाय नहीं करना है। ओके, एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो चौथा पॉइंट है, वो आपको ये है कि आप एक वीडियो शूट करते हो, जैसे मैंने ये शूट किया एंड इसको आप क्या करते हो कि 2 चैनल है आपके, मल्टीपल चैनल्स हैं एंड आप मल्टीपल चैनल्स पे एक ही वीडियो को अपलोड करते हो, तो कभी ना कभी YouTube एल्गोरिथम को पता चलता है एंड आपकी चैनल लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव निगेटिव इफेक्ट चलते रहता है, जिससे
आपकी चैनल डेथ हो जाती है एंड आपकी चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है एंड सबसे बड़ी बात फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे आपकी चैनल की ग्रोइंग नहीं होती है, बिल्कुल रीच रुक जाती है। तो आपको ये भी सबसे बड़ी गलतियां नहीं करना है। एंड गाइज अब बढ़ते हैं अपने चौथे एंड पांचवे टॉपिक्स की तरफ। पांचवा टॉपिक ये है गाइज कि अब आपको कहीं से भी, मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी वेबसाइट है, आप क्रोम पे जाते हैं, वहाँ पे एक वेबसाइट नज़र आता है जो आपके सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में मदद करता है एंड आपके सब्सक्राइबर्स को परचेस करने में मदद करता है। मान लो कि आप वहाँ पे जाते हो, अपने चैनल का लिंक डालते हो एंड वहाँ से आप क्या करते हो, कुछ रुपए पे करते हो एंड आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स 1K या कुछ भी इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है एंड इससे आपकी चैनल को लॉन्ग टर्म तक निगेटिव इफेक्ट। एंड गाइस ये पांचवी सबसे बड़ी गलती को आपको नहीं करना है, जिससे आपकी चैनल के बीच रुक जाती है, लॉन्ग टर्म तक निगेटिव इफेक्ट चलते रहता है, जिससे आपकी चैनल ग्रो नहीं कर पाती है, इस पर कुछ भी नहीं हो पाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं गाइस छठे टॉपिक्स की तरफ। अब छठे टॉपिक्स बताते हैं क्या है। तो एंड गाइस छठा टॉपिक्स है जो है कि आपको कंसिस्टेंसी, मतलब आपको वीडियो आज शूट किए हैं, आज अपलोड किए हैं, या वीडियो आज दो शूट कर लें, आज अपलोड करें, इसको अनलिस्टेड करके कहने का मतलब है गाइस कि आप वीडियो को डेली अपलोड करें, कंसिस्टेंसी इसमें जरूरी। कंसिस्टेंसी क्या, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रेगुलर, कंटिन्यूअस, यहाँ पे होता है कि आप रेगुलर वीडियो को अपलोड कीजिए, रेगुलर यूट्यूब पे आइए, रेगुलर वहाँ से एक टॉपिक ढूंढिए आपको जो भी अच्छा लगता है एंड रेगुलर एक वीडियो को अपलोड कीजिए। मल्टीपल चैनल पे एक ही वीडियो को अपलोड नहीं कीजिए एंड एक वीडियो को आपको अपलोड करना है डेली। एंड अगर मान लो भाई आप दो दिन पे करते हो तो कोई बात नहीं है, दो दिन पे आपको एक वीडियो को अपलोड करना है एंड एक हफ्ता पे करते हो तो आपकी चैनल जल्दी ग्रो नहीं करेगी, फिर भी आपको एक हफ्ता पे ही वीडियो को अपलोड करना है, जिससे आप, अगर आप ऐसा करते हो तो अगर आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हो तो आपकी चैनल ग्रो करेगी, ट्रेड करेगी एंड आपके चैनल पे बहुत सारे रीच एंड फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर सब गेन होंगे। अगर ये को इसको नहीं करते हो, ये गलती कर देते हो तो आप, एंड गाइस ये भी गलती को आपको नहीं करना, ये फॉलो गलती को नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी गेन हो जाएंगे, रीच भी बढ़ते रहेंगे। तो आपको ये भी गलती नहीं करना है। एंड गाइस अब चलते हैं अपने सातवें टॉपिक्स की तरफ। तो एंड ये सातवां टॉपिक्स है गाइस कि चलो मान लो कि मेरा टेक का चैनल है या मेरा ब्लॉग्स है एंड मेरा मान लो कि स्केटिंग है या कुछ भी कैटेगरी का चैनल है। आपको क्या, आपने क्या किया, कहीं पे गया एंड वहाँ पे आप बाबा जी के या कोई भी जो वीडियो है आप वहाँ पे देखें, आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि नहीं ये YouTube पे ग्रो कर जाएगी, तो आप क्या करते हो कि बाबा जी का प्रवचन सुन के उसको आप वीडियो को डाउनलोड करते हो और उसी तरीके के थोड़ा मोड़ा एडिट करते हो एंड डायरेक्ट पेस्ट कर देते हो, यूट्यूब पे डाल देते हो। तो गाइज इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। एंड क्यों रैंक नहीं करेगी, क्योंकि गाइज आपका टेक चैनल है एंड आप वीडियो डाल दिए ब्लॉग का, स्केटिंग का, स्केटर्स वाला एंड कुछ भी का वीडियो डाल दिए, तो आपको इस पर नहीं डालना है, इससे आपकी चैनल पे लॉन्ग टर्म तक निगेटिव इफेक्ट चलते रहेंगे एंड आपकी चैनल डेथ हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, जिससे आपकी चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। और अब आपको चलते हैं सबसे बड़ी गलती जो है लास्ट एंड सबसे बड़ी जो गलती है उसके तरफ चलते हैं गाइस। एंड गाइस चलते हैं नौवे टॉपिक्स के तरफ। नौवे टॉपिक्स ये है कि आपको पैशन के साथ साथ पेशेंस रखना होगा गाइस। आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आपको पैशन के साथ साथ पेशेंस रखना है, मतलब वेट करना है, आपको रेगुलर वीडियो को अपलोड करते रहना है, कंसिस्टेंसी बने रहना है एंड लास्ट एंड फुली फाइनली आपको क्या करना है, आपकी 10वीं टॉपिक है गाइस। तो आपको अब क्या करना है, आपकी 10वीं टॉपिक क्या है गाइस, तो अब आपको, एंड गाइस आपको 10वीं टॉपिक ये है कि आप अपने गलतियां करने में जितने माइंडसेट करते हो एंड दिमाग लगाते हो वो आपको नहीं करना है, गलतियां करने में दिमाग नहीं लगाना, माइंडसेट नहीं करना है एंड आपको इसी गलतियों को सुधार कर आपको CTR बढ़ाने में, टाइटल्स अच्छे लिखने में एंड थंबनेल्स, डिस्क्रिप्शंस एंड इस सारे में आपको करना है, जिससे आपके चैनल की
ग्रोइंग होने के चांसेस बढ़ जाएगी। आपको ये गलतियां ना करके आपको माइंडसेट करना है, दिमाग लगाना है, टाइटल कैसे लिखे, थंबनेल कैसे बनाए, एसईओ कैसे करें एंड डिस्क्रिप्शन कैसे करें, तो आपको ये करना है, ना कि आपको गलतियां करते रहना है। तो अब आपको ये गलतियां सुधार लेना है। मैं चैलेंज करता हूँ गाइज, एक मंथ के अंदर आपको ऑलमोस्ट वन मंथ के अंदर आपकी क्या होगी, आपकी चैनल ग्रो कर जाएगी एंड ट्रेड कर जाएगी। एंड गाइज आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड गाइज ये वीडियो जो है पूरा हेल्पफुल है, अगर इसको अप्लाई करते हो, ये 10 गलतियों को आप सुधार लेते हो, तो आपकी चैनल ग्रो करने वाली है एंड ट्रेंड करने वाली है। गाइज अगर आप ये गलतियों को सुधार लेते हो तो आपकी चैनल फ्रीज कभी नहीं होगी, कभी चैनल की डेथ नहीं होगी, लॉन्ग टर्म तक निगेटिव इफेक्ट भी नहीं आता रहेगा, आपकी चैनल इजली ग्रो करते रहेगी, ट्रेड करते रहेगी, क्रॉस कर जाएगी हर लिमिट को एंड आप अपने चैनल को इजली बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं एंड इससे आप अपने चैनल से बहुत अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस तब तक के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो, आई होप वीडियो मस्त लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशनल हुए हो एंड थोड़ा सा भी चैनल की ग्रोइंग करने में आपको कोई फायदा लगा होगा, तो एंड हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो हमारे इसी टाइप की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा एंड आप उसको देखने के बाद आपको आप अपने चैनल को ग्रो करने में आपको हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड जय हिंद जय।